अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने ग्रामर के बारे में बात किया था, उसकी थोड़ी बेसिक्स हमने जान ली थी और हमने पढ़ा था टेंसेस में पहला एक्सप्रेशन जो कि प्रेजेंट सिंपल था। तो हमने वो जान के अब हम जो हैं दूसरे एक्सप्रेशन पे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ चुका होगा। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? पास्ट सिंपल, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और नॉन प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ओके, तो ये आपको जो है समझ लेना ज़रूरी है कि इस टेंस को क्या कहते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर हम फॉर्मेशन देखें तो फॉर्मेशन इसकी सिंपल है, एस प्लस वी टू प्लस सी, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट किसे हम कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, दैट मीन्स सब्जेक्ट। और वी टू मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सी मीन्स कंप्लीमेंट, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस का बाकी हिस्सा जो बच जाएगा उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। ओके, तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा डिड। ओके, डिड इसमें यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ओके, तो डिड चेंज वी टू इंटू वी वन, तो ये कैसे चेंज करता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में, चले एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। बॉयज एट फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? बॉयज एट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फूड इज कम्प्लीमेंट। तो इसके बाद हम अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे हमने यूज़ किया है बॉयज डिड नॉट ईट फूड, यहाँ पे हमने ईट फूड किया है यूज़। तो क्यों यूज ईट हमने यहाँ पे यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे हमने डिड लगाया और डिड ने जो है सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ला दिया। ओके, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी हम किसी सेंटेंस में डिड यूज़ करेंगे तो उसका जो फॉर्म है सेकेंड फॉर्म ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है फर्स्ट फॉर्म में। ओके, ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस में देखा बॉयज एट फूड और नेगेटिव सेंटेंस हमने देखा बॉयज डिड नॉट ईट फूड। ओके, तो ये ईट एट, ईट से कब आ गया? तो यहाँ पे हमने डिड यूज़ किया और एट ऑटोमेटिकली ईट में आ गया। ओके, तो बेसिकली ईट फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और एट जो है सेकंड फॉर्म वर्ब है। ओके, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं इम्फैटिक पॉजिटिव। तो इम्फैटिक पॉजिटिव क्या होता है? बॉयज डिड नॉट ईट फूड, बॉयज डिड ईट फूड, मतलब यही है कि हमने पॉजिटिव में बोला था बॉयज़ एट फूड, तो इसका मतलब है कि बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया। तो ये प्रॉपर नहीं है कि उन्होंने खाया या नहीं खाया, ये हम श्योर नहीं कह सकते। ओके, तो इम्फैटिक पॉजिटिव में हम कह सकते हैं कि बॉयज़ डिड ईट फूड। इसका मतलब है अगर आपको कोई कहता है कि बॉयज़ डिड ईट फूड, उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो है खाना खाया, उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने नहीं खाया, एग्जैक्टली उन्होंने खाना जो है खाया होगा। ओके, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं डिड बॉयज ईट फूड, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम उसमें क्वेश्चन करते हैं क्या बच्चों ने खाना खाया था या नहीं। डिड बॉयज ईट फूड, तो यहाँ पे भी हमने डिड लगाया और बॉयज जो है सब्जेक्ट है और यहाँ पे एट हमने नहीं लगाया क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हमने यहाँ पे यूज़ किया ईट क्योंकि यहाँ पे हमने डिड यूज़ किया और इसके बाद हमने ईट लगाया। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सप्रेशन नंबर थर्ड पे। तो एक्सप्रेशन नंबर सेकंड के जो यूजेस हैं वो मैं आपको इस एक्सप्रेशन के साथ ही कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्रेशन नंबर थर्ड। तो एक्सप्रेशन नंबर थर्ड में हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो दोस्तों जो परफेक्ट है, जब भी परफेक्ट आप देखोगे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो वह हमेशा लगेगा वी थ्री यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो ये बात जो है हमेशा याद रखना, जब भी आप परफेक्ट देखोगे तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ यू वर्ब जो है यूज़ होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। ओके, तो जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तब हैज़ आएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हैव आएगा। लेकिन दोस्तों आई के साथ हमेशा जो है हैव लगेगा क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस में आता है। ओके, तो ये थी इसकी फॉर्मेशन। तो चले हम सेंटेंसेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हेन सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बाय हैज़ ईटन फूड, तो बाय यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब एंड ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फूड यहाँ के यानी कि कंप्लीमेंट। ओके,
तो वो सेंटेंस परफेक्ट है जिसमें ये चारों चीज़ें आएंगी, यानी सब्जेक्ट, यानी हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड कंप्लीमेंट। तो हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चूज़ किया है सिंगुलर, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, हैज़। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बाय हैज़ नॉट ईटन फूड। ओके, बाय हैज़ नॉट ईटन फूड, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं। तो इंट्रागेटिव में हमने हैज़ बॉय ईटन फूड, हैज़ बॉय ईटन फूड, क्या बच्चों ने खाना खाया था या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया और जो है क्वेश्चन कर दिया। तो इसके बाद आता है व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल लगा तो हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। ओके, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल लगा, हम जब हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा, हम ऐसे बनाएंगे, बॉयज़ हैव ईटन फूड, बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है, हैव हेल्पिंग वर्ब एंड ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फूड जो कि कंप्लीमेंट है। ओके, तो इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या हैव नॉट लगाना है और बाकी जो है सेम, ईटन वहाँ पे भी यहाँ पे भी ईटन। ओके, तो इसके बाद आता है इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव मतलब क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, हैव बॉयज़ ईटन फूड, तो ऊपर हमने सिंगुलर में हैज़ यूज़ किया था, यहाँ पे हमने यूज़ किया हैव बॉयज़ ईटन फूड, क्या बच्चों ने खाना खाया था। वहाँ पे एक लड़का था, यहाँ पे बहुत सारे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे हैव आएगा। ओके, तो ये थी कुछ एग्जांपल्स इस टेंस के रिलेटेड। तो अब आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो आप रफ अपने निकाल लीजिए और हर रफ पे नोट कीजिए, कहाँ पे मुझे समझ नहीं आता तो उसको रिकैप्चुलेट कीजिए, वीडियो को स्किप कीजिए और फिर दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके यूजेस की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इनको कंपेयर करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पास्ट सिंबल की, तो इसमें है नो इन्फ्लुएंस, मतलब इसमें असर नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है इन्फ्लुएंस, मतलब असर है। तो ये क्या है असर, मतलब अगर आपने कोई एक्शन किया तो उसका असर आपको अभी भी है। फॉर एग्जांपल, आपने खाना खाया 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, तो आपको उसका असर अभी भी है, तो आप उस एक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर सकती हो प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर आपको उस एक्शन का जो इन्फ्लुएंस नहीं है तो आप उसको किस में रिप्रेजेंट करोगे, पास्ट सिंपल। तो इसके बाद पास्ट सिंपल में आता है यस्टरडे, मतलब जो भी काम कल हुआ होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पास्ट सिंपल में, और जो भी काम आज हुआ होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ लेना ज़रूरी है। इसके बाद है 2 ईयर्स कंप्लीटेड बट नॉट वर्क देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जो है एक कंपनी में काम कर रहा था, ओके, 2 सालों से, और 2 साल हुए तो उसने छुट्टी कर दी, तो उस एक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पास्ट सिंपल में। ओके, तो इसी तरह एक बंदा जो है 2 सालों से काम कर रहा था लेकिन अभी भी वहीं पे है, अभी भी कर रहा है, तो उस एक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं मिलती रहें। ओके, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।